सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अक्की एंड आप देख रहे हैं अक्की एडिट। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको इमेज का बैकग्राउंड इरेज करना या कट आउट करना सिखाऊंगा एंड बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। एंड एप्लीकेशन का जो लिंक है जिससे मैं बैकग्राउंड को इरेज करूंगा उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाके आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, ये जो एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, बट वहाँ पर इसको आप बाय करना पड़ेगा, तो इसलिए इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो सिंपली आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस, जो इमेज का कटआउट है मतलब वो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। एंड गाइस, आपको वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है तो आपको समझ पाओगे एंड कैसे यूज़ करना है मैं वो भी सिखा दूँगा आपको। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी और भी एडिटिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं जो ऐप है उसको मैं ऐड कर ओपन कर लेता हूँ। ये ऐप है पिक्सी प्रो, इसका नाम है आपने सुना ही होगा। सो ये पिक्सी प्रो ऐप पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद जब भी गाइस आप इस पर क्लिक करके ओपन कर लोगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे गेटा पिक्चर पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से न्यू ब्लैंक पिक्चर पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइस, यहाँ पे आपको साइज दिख जाएगा एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट ही रखना है, जिससे हमारे इमेज को अच्छे से हम इरेज कर पाए, अच्छे से उसका बैकग्राउंड रिमूव कर पाए। तो वहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद गाइस ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे जो नीचे सेकंड ऑप्शन है इफेक्ट, वहाँ पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से ऊपर जो सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर, वहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना इमेज ऐड कर सकते हैं जिसका बैकग्राउंड हमें रिमूव करना है, तो मैं उस इमेज को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस, ये रहा ये हमारा इमेज और मैं इस पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ। जब भी आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको क्रॉप करने को पूछा जाएगा, तो अब मेरे बैकग्राउंड मेरे इमेज में ऐसा कुछ अदर पार्ट क्रॉप करने लायक तो है नहीं, तो इसलिए मैं इसको सिंपली ऐसे ऐड कर लेता हूँ राइट पे क्लिक करके एंड यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ से अगेन हमें राइट पे क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस, यहाँ ऊपर वाले टूल में आपको एक ड्रॉ का एंड एक इरेज का टूल मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से जो इरेज का ऑप्शन है यहाँ से आप इसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, ओपेसिटी इंक्रीज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ कर सकते हो अपने हिसाब से कैसे आपको इरेज करना है। उतना करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे हल्का हल्का इरेज कर लेना है अपना, अच्छे से एकदम प्रॉपरली अच्छे से आपको इरेज करना है। एंड मैं इसको आपको पूरा कटआउट करके अच्छे से दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरह से आपको अच्छे से इसको इरेज कर लेना है। मैं फटाफट कर रहा हूँ तो ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए एंड आप लोग का टाइम बचे, तो मैं एक मिनट में इसको इरेज करके आपको फिर दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी मैं इसको इरेज कर लिया हूँ एकदम अच्छे से एंड बहुत ही ध्यान से आपको एक एक पार्ट को अच्छे से कट कर लेना अपने इमेज का। एंड गाइस, ये पूरा कट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड गाइस, आपको ये हेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपका हेयर जो अगर प्रॉपरली सेट रहेगा अच्छे से तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड गाइस, अगर आपके हेयर जो मतलब ऐसा बिखरे हुए तो उसमें आपको ये जो इरेजर का टूल है यहाँ पे मतलब ओपेसिटी वगैरह हल्का सा कम करके एंड साइज वगैरह हल्का सा कम ज़्यादा एडजस्ट करके आपको अच्छे से इरेज कर लेना है एक एक पार्ट को, वो हो जाएगा। बिकॉज इसमें जो मतलब इस इमेज की जो मतलब ऐप की जो जूमिंग है वो बहुत ही अच्छी है, तो आप अपने हेयर के एक एक पार्ट को अच्छे से कट कर सकते हो। इतना करने के बाद गाइस, आपको यहाँ राइट पे जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एंड जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ को आपको पूछा जाएगा कि आप अपने मतलब कटआउट को सेव करना चाहते हैं, तो आपको यस कर देना है। मीन्स अगर आप यस कर दोगे तो ये जो कटआउट इमेज है जिसका बैकग्राउंड आपने इरेज किया है वो सिंपली आपके गैलरी में कटआउट फोल्डर से सेव हो जाएगा एंड आप उसको कहीं पे भी किसी बैकग्राउंड पे जब मन चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस, आप देख सकते हो ये कटआउट हमारा सेव हो चुका है, यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा। सो अभी मैं इसको आपको किसी एक बैकग्राउंड से मैच करके दिखाता हूँ, मतलब किसी एक बैकग्राउंड पे यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। सो यहाँ से पहले मैं बैक आ जाता हूँ, उसके बाद अगेन मैं गेट अ पिक्चर क्लिक करता हूँ एंड इस बार मैं यहाँ इम्पोर्ट पे क्लिक करूँगा थर्ड वाले ऑप्शन पे। तो अभी मैं अपनी इमेज के लिए एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ एंड जिसमें मैं इसको ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड ले लेता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ अपने बैकग्राउंड के फोल्डर में एंड वहाँ से मैं अपना इमेज का जो बैकग्राउंड है उसके लिए एक इमेज ले लेता हूँ। तो ये रहा बैकग्राउंड एंड यहाँ से आपको पूछा जाएगा मतलब आप उसका साइज़ कितना रखना चाहते हैं, तो मैं तो मैक्सिमम ही रखूँगा जिससे हमारे इमेज में एक अच्छी सी क्वालिटी आएगी, तो मैं वहाँ पे क्लिक करके मैक्सिमम कर लेता हूँ एंड ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा।
तो सबसे पहले मैं इसका जो साइज है वो अपने इमेज के हिसाब से रख लेता हूँ। यहाँ से क्रॉप पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से इसका जो रेशियो है वो चेंज कर लेता हूँ। मैं 4.5 का रखता हूँ, इससे इंस्टाग्राम में अच्छे से सेव हो जाता है फुल इमेज, तो इसलिए मैं 4.5 लिया हूँ। यहाँ से मैं राइट पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आपको जो एडजस्ट का टूल दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके अपनी इमेज को हल्का सा ब्लर कर लेना है ताकि ये रियलिस्टिक दिखे। कुछ इस तरह से मैं इसको ब्लर कर लेता हूँ। इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। एंड गाइस आपको ये वीडियो मतलब स्किप नहीं करना, पूरा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ इफेक्ट पे क्लिक कर लेना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस वापस ये जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको इंसर्ट पिक्चर, यहाँ पे क्लिक करके वो जो आपने कट आउट किया था ना आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है, तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। सो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा एंड यहाँ से इसमें मतलब क्रॉप करने के लिए पूछेगा, बट हमें क्रॉप नहीं करना है। वैसे तो हमने इसको क्रॉप भी कर लिया ऑलरेडी, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है तो हम इसको क्रॉप नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक करके इसको सिंपली ऐड कर लेना है एंड इसको हल्का सा एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, एंड हल्का सा एडजस्ट करके इतना होने के बाद गाइस आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है। एंड ये इमेज अभी सेव हो चुका है एंड यहाँ से अगर आप कोई पार्ट वगैरह ऐसा मतलब बचा हुआ है तो आप इसको ऐसा इरेज भी कर सकते हो, बट मैं तो ऑलरेडी अच्छे से कट कर लिया तो मैं इसको इरेज नहीं करूँगा, यहाँ से बैक कर लूँगा। तो आप देख सकते कितना अच्छा सा एकदम अच्छी क्वालिटी में इमेज आपका ऐड हो चुका है एंड आप इसको यहाँ राइट पे क्लिक करके डन कर लोगे। यहाँ से नो कर देना, नहीं तो डबल बार आपका जो कटआउट इमेज है वो दो बार सेव हो जाएगा। तो मैं इसको डबल बार नहीं सेव करूँगा, एक ही बार सेव कर लिया मैंने ऑलरेडी, तो मैं नो कर दूँगा। इतना करने के बाद गाइस आपको इमेज को सेव करना है या Lightroom एप्लीकेशन में लेके जाना, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट का, वहाँ पे क्लिक कर लेना है। एंड जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है मीन्स आप अपने इमेज को मतलब गैलरी में सेव कर सकते हो या एंड यहाँ से जो फोर्थ वाला ऑप्शन है देखो ऐड टू Lightroom, तो उस पर क्लिक करके आप अपनी इमेज को Lightroom में ले जा सकते हो, मतलब कहीं से भी आप इसको शेयर कर सकते हो एंड Lightroom में ले जाके अपना इमेज का जो रिटच है वो कर सकते हो। एंड गैलरी में सेव करना है तो यहाँ जो सेव पिक्चर फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करके इसको गैलरी में सेव कर लेना है। एंड Lightroom में भी ले जा सकते हो, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसको सेव करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से मतलब आपको पूछा जाएगा मीन्स कि कौन से फोल्डर में आपको सेव करना है। तो मैंने बहुत सारा यहाँ पे फोल्डर बना रखा है, तो ये जो मेरे नाम का के नाम का उस पर क्लिक कर लेता हूँ एंड ये अभी मेरे फोल्डर में सेव हो चुका है, मतलब मेरे फोल्डर जो अक्के नाम का है तो वो गैलरी में उस फोल्डर पे सेव हो चुका है। एंड गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइस ऐसी और भी एडिटिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।